इंटरमीडिएंट फास्टिंग क्या है, इंटरमीडिएंट फास्टिंग कैसे करनी चाहिए, इंटरमीडिएंट फास्टिंग इसके गलत तरीके क्या है करने के, इसके सही तरीके क्या है करने के, और इसके फायदे क्या है, जो कि सबसे जरूरी चीज है। हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम रविंदर सेन है। आज हम बात करेंगे आजकल के बहुत पॉपुलर सब्जेक्ट की, इंटरमीडिएंट फास्टिंग। अब पहली चीज ये समझने की बात है, फास्टिंग का मतलब क्या है। फास्टिंग का मतलब उपवास होता है, स्टार्वेशन नहीं। स्टार्वेशन वो चीज़ है जहाँ आपको भूख लग रही है, आपका पेट में दर्द हो रहा है, आपको चक्कर आ रहे हैं, ब्लड शुगर बहुत लो हो गई है, आप फिर भी नहीं खा रहे, उसको बोलते हैं स्टार्वेशन। फास्टिंग, उपवास जिसका सही वर्ड है, वो ये चीज़ है जहाँ आपको भूख ही नहीं लग रही और आप बिना खाने के, बिना एनर्जी लो हुए चल पा रहे हैं, ये है फास्टिंग। अब इंटरमीडिएंट फास्टिंग वर्ड समझना बहुत जरूरी है। कभी भी जिंदगी में आप किसी भी चीज पे अगर आप समझते हैं आपको नहीं समझ आ रही, देर इज ऑलवेज अ वर्ड बिहाइंड इट। इंटरमीटेंट इसका क्या मतलब है, अगर आप डिक्शनरी खोलेंगे तो पता लगेगा, स्टार्टिंग चेंजिंग एंड स्टॉपिंग एट इररेगुलर इंटरवल्स, दैट मीन्स जिसका कोई पैटर्न नहीं है। जो लोग ये सोचते हैं ना कि 12 बजे खा लो, 6 बजे खा लो, इंटरमीटेंट फास्टिंग है, आपने उसको सबसे पहले उसकी परिभाषा तोड़ दी। इंटरमीटेंट का कोई स्टार्टिंग चेंजिंग एंड स्टॉपिंग का टाइम ही नहीं है, तो वो किसी भी टाइम हो सकती है। इंटरमीडिएंट का मतलब ही है कि कोई टाइम का पैटर्न नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस बॉडी की है, सब कुछ पैटर्न से बना दिया, 7 बजे चाय, 9 बजे नाश्ता, 12 बजे खाना, फिर से पैटर्न नहीं। इस बॉडी को पैटर्न पसंद नहीं, क्योंकि इसको कभी भी पैटर्न या टाइम के हिसाब से खाना नहीं मिला था जेनेटिकली। तो इंटरमीडिएंट फास्टिंग सही समझनी है, उसका कोई टाइम पैटर्न नहीं है। तो अगर आपने एक दिन 12 बजे, दूसरा पहला खाना 12 बजे, दूसरा 6 बजे खाया, अगले दिन 2 बजे, 7 बजे, फिर अगले दिन 11 बजे, 5 बजे, यह है इंटरमीटेंट। इंटरमीटेंट मतलब उसका स्टार्टिंग चेंजिंग स्टॉपिंग का कोई पैटर्न नहीं है। अब आ गया इंटरमीटेंट फास्टिंग। तो भूखा रहना, वो भी कौन सा भूखा, कि आपको भूख नहीं है, वैसे भूखे रह पाना कम से कम 14 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा की तो लिमिट ही कोई नहीं है, मगर इंटरमीटेंट में ज़्यादातर 1 meal a day बोला जाता है, उसके बाद इसको प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग बोल देते हैं। तो आज का सब्जेक्ट है इंटरमीटेंट फास्टिंग। सो लेट्स से आप पहले 3 बार खा रहे थे, करते करते आप 2 पे आ गए, और 2 में एक बार आप 12 बजे खा लिया, एक बार 6 बजे, और इसका भी टाइम जरूरी नहीं है, यही है, मगर 12 से 6 का एग्जांपल की तरह 6 से 12 तक आप फास्टिंग में। कई लोग शुरू करते हैं 12 घंटे से, कि रात को 8 बजे खाया, अगले दिन सुबह 8 बजे तक कुछ नहीं खाया, फिर वो 8 वाले सुबह 8 को 10 कर देते हैं, फिर सुबह 10 को 12 कर देते हैं, फिर इस 8 को 7 कर देते हैं। हमने एक पैटर्न में नहीं रहना, ये करते करते वो 2 meals पे आके आके 1 meal पे आ जाते हैं। कई लोग 1 meal 4 घंटे में करते हैं, कि 4 से 8 खाने का टाइम है, 8 से अगले दिन 4 बजे तक नहीं खाएंगे, ये भी इंटरमीडिएंट फास्टिंग है। फिर करते करते वो एक ऐसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे 1 meal a day पे आ जाते हैं, कि आधे घंटे घंटे में एक खाना खाया और पूरा टाइम कुछ नहीं खाया। हम ये भी डिस्कस करेंगे इंटरमीडिएंट फास्टिंग में क्या कर सकते हैं, क्या ले सकते हैं ताकि भूख ना लगे। अब इसका गलत तरीका क्या है करने का, इसका गलत तरीका है पैटर्न, कि हर रोज 12 6 12 6 12 6, बॉडी को आदत पड़ जाएगी, फायदा कम होगा। दूसरा गलत तरीका, जब खाया तो पराठे, मक्की की रोटी है ना, और उसके साथ क्या खाया, चीनी, लस्सी के साथ बीच में खांड डाल ली, वो फास्टिंग का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि आपकी बॉडी में इतनी ब्लड शुगर बढ़ गई, वो कम से कम 8-10 घंटे तो उसी को लग गए बॉडी को काम करते हुए, आपको लग रहा फास्टिंग में आप नहीं है। तो कभी भी इंटरमीटेंट फास्टिंग अगर करनी है, कार्बोहाइड्रेट्स लो, प्रोटीन अच्छा थोड़ा सा, और काफ़ी अच्छा फैट लेना होता है सलाद के साथ, वो चीज़ें जैसे मैं चैनल पर वीडियोस बनाकर बताता हूँ वैसे करनी है। अब इसके फायदे क्या हैं, आप हैरान हो जाएंगे, ये वेट लॉस करवाती है, ये मसल गेन करवाती है, तो जिन्होंने भार है ना, वेट गेन करना है, उनके लिए भी हेल्पफुल है, जिन्होंने फैट लॉस करना है, देखो फैट लॉस करना है, मसल लॉस नहीं करना, उनके लिए बहुत अच्छा है, तो वेट डाउन होता है मगर मसल मास बढ़ता है। और ये प्री डायबिटीज इंसुलिन रेजिस्टेंस की सबसे बढ़िया फ्री हैंडलिंग है, क्योंकि बॉडी में इंसुलिन बनता है, तो बार बार इंसुलिन बनता है, तो सेल अपने आप को बचाने के लिए झिल्ली बना लेता है। ये क्योंकि इंसुलिन बार बार नहीं बन रहा, हम बार बार नहीं खा रहे, तो क्या होता है, इंसुलिन नहीं बनता और सेल की इंसुलिन रेजिस्टेंस टूट जाती है, लाखों करोड़ों की बीमारियां है ना जो इससे चलती है इंसुलिन रेजिस्टेंस से, वो बच जाती है, जिसमें ग्लाइकोमा है ना, मोती आ गया, हेयर लॉस आ गया, फैटी लिवर आ गया, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, यू नेम इट, कितनी चीज़ें हैं जो इंसुलिन रेजिस्टेंस से शुरू होती हैं, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स कर देती है। तभी प्री डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, इवन टाइप 1 डायबिटीज रिवर्स होती देखिए हमने अपने क्लाइंट्स में, सिर्फ हमने क्या सिखाया, इंटरमीडिएंट फास्टिंग। नेक्स्ट चीज़ ये क्या करती है, ये आपकी निगाह
अच्छी कर देती है इंटरमीडिएट फास्टिंग। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में अब लिवर के पास टाइम है वाइटमिन तोड़ने का, ए डी ई और के टू, तो आपकी निगाह अच्छी होती है और आपकी स्लीप की क्वालिटी बढ़ जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी में इतनी ज्यादा इंसुलिन नहीं है, वो रात को आप डाइजेशन में नहीं पड़े हो, आप रिलैक्सिंग नींद लेते हो। ये आपकी मेमोरी बढ़ा देती है, इसका मतलब अल्जाइमर्स पार्किंसंस में सबसे अच्छा तरीका है इंटरमीडिएट फास्टिंग। क्यों? जब हम फास्टिंग करते हैं हमारी बॉडी उस टाइम पे क्या खाती है, फैट। फैट फ्यूल से क्या बर्न होता है, बनते फैट जब बर्न होता है उससे बनते हैं कीटोन्स। कीटोन्स ब्रेन के लिए वन ऑफ द बेस्ट फ्यूल है। इंसुलिन या इंसुलिन क्या, ग्लूकोज, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ग्लूकोज अगर कोयला है, कीटोन्स सन से बना हुआ सोलर फ्यूल है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है अल्जाइमर्स में, पार्किंसंस में, न्यूरोपैथी प्रॉब्लम्स में, है ना, जिसको बोलते हैं एपिलेप्सी में, रिसर्च की हुई है कि कीटोन्स बहुत अच्छे हैं। और इससे क्या होता है, जो ब्रेन में प्लैकिंग हो जाती है जिस वजह से मेमोरी लॉस होता है, है ना, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, चाबी कहाँ गई, फोन कहाँ गया, वो वाली दिक्कत चली जाती है, और जो नींद आएगी वो डीप आएगी और सॉलिड आएगी, आपको 6-8 घंटे में ऐसे लगेगा पूरा काम हो गया। इससे और क्या फायदा है, किडनी प्रॉब्लम्स में राहत मिलती है। क्यों? क्योंकि ब्लड में शुगर इतनी ज़्यादा नहीं है, किडनी के पास टाइम है, वो प्रॉब्लम नहीं देती। अगर आप इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम से निजात पाते हैं। क्यों? क्योंकि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन कब बनता है, जब इंसुलिन और ग्लूकोज और कोर्टिसोल डाउन होते हैं, तो ये इन चीज़ों में मदद करता है। इंटरमीडिएट फास्टिंग में मूड अच्छा रहता है, मूड स्विंग नहीं होते। जिन लोगों का मूड स्विंग होता है वो क्यों होता है, उनकी ब्लड शुगर अप कभी डाउन, डाउन में मूड गंदा, अप पे ओके, तो उनको बार बार खाना पड़ रहा है। इंटरमीडिएट फास्टिंग में ये वाला साइकिल टूट जाता है, मूड अच्छा हो जाता है, स्ट्रेस डिप्रेशन तनाव वाली प्रॉब्लम से ऑटोमेटिकली, है ना, रिलीफ मिलता है। और इंटरमीडिएट फास्टिंग से क्या फ़ायदा है, जब लिवर अच्छा है ऑटोमेटिकली पैनक्रिया शांत है, पैनक्रिया की दिक्कत नहीं आती, पैनक्रिया को अपने बेटा सेल्स जो मर रहे थे हर रोज वो बच जाते हैं। और इससे क्या होता है, आपके टेस्ट बड्स एनहेंस होते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है सैलड स्वाद क्यों नहीं लगता, आपने अपने टेस्ट बड्स को गलत चीज़ें खिला खिला के बार बार खिला के डैमेज कर दिया है। आप हैरान हो जाएंगे जब आप कार्ब्स छोड़ते हो और शुगर छोड़ते हो, 7वें 8वें दिन आपको पानी में मिठास आने लग जाती है। मुझे पहली बार, मुझे हंसी की बात है, मैंने पीनट बटर मंगवाया एक अमेजोन से शुगर फ्री, जब मैंने पहली बार इंटरमीडिएट फास्टिंग और 1 meal a day पे आ गया, जब मैंने उसे खाया मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने कहा सालों ने गलत लिख दिया कि ऊपर लिखा है शुगर फ्री और अंदर शुगर है। जब मैंने अपनी वाइफ को टेस्ट कराया वो कहती फीका है, तो मुझे रियलाइज हुआ इट्स माई, है ना, कि मेरे टंग के जो पोर्स हैं, जो मेरे टेस्ट बड्स हैं, वो इतने अच्छे हो गए हैं कि मुझे टेस्ट जो उसमें थोड़े से भी कार्ब्स हैं, चीनी उसमें कार्ब्स तो है ना, वो भी आ रहे हैं। तो आपका टेस्ट एनहेंस होता है, आपको जो चीज़ें आपको पहले स्वाद नहीं लग रही थी, हेल्दी चीज़ें, अब आपको स्वाद लगेंगी। और इंटरमीडिएट फास्टिंग के क्या फ़ायदे हैं, मसल एक्स एंड पेंस चली जाती हैं, जो बिना बात के मसल्स दुख रहे हैं। और क्या फ़ायदा है इंटरमीडिएट फास्टिंग का, जोड़ों का दर्द, इन्फ्लेमेशन डाउन हो जाती है। इंटरमीडिएट फास्टिंग से जो बॉडी में गलत चीज़ों को फ्यूल मिलता है, जैसे कि कई सेल्स बोलते हैं जो म्यूकस बनाने वाले वो है ना, जो फंगस है, वो जिनको रेशे की दिक्कत है, वो एक रिसर्च है कि जो हमारा ग्लूकोज बढ़ा हुआ है वो किसको फ्यूल दे रहा है, कैंसर सेल्स को फ्यूल दे रहा है। तो कैंसर सेल्स को फ्यूल खत्म हो जाएगा तो वो भी सर्वाइव नहीं करेंगे। इसके ऊपर और रिसर्च करी जा रही है मगर अभी तक ये डेटा पाया जा चुका है। तो हमने ये सीखना है कहीं किसी को पैसे नहीं देने। और सबसे बड़ा फायदा इंटरमीडिएट फास्टिंग में, भूल गया, आपकी जेब हल्की हो जाती है, इन द सेंस ऑफ आपकी जेब भारी रहती है आपकी जेब में पैसे टिकेंगे। क्यों? हमें बार बार खाना नहीं खरीदना पड़ रहा, हमें बार बार खाना नहीं पड़ रहा, योर मनी इज एक्चुअली गेटिंग बेटर, आपके पैसे बच रहे हैं। तो अगर घर पे ये चीज़ें हम कर सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल स्टेप्स नहीं है, हमने पहले जो 7 बार खा रहा है उसको 3 पे लेके आना है, 3 से उसको धीरे 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 2 पे लेके आना है, 2 से उसको धीरे धीरे 1 पे लेके आना है, ऐसे होता है। और हम इस चीज़ के, मेरी पूरी टीम चैंपियन है, हम सारे 1 meal a day करना जानते हैं, मेरी जितनी टीम है, मैं प्रोलॉन्ग फास्टिंग कर लेता हूँ, मेरा सारा स्टाफ भी प्रोलॉन्ग फास्टिंग कर लेता है जिसमें 72 hours प्लस हो जाते हैं। हम लोगों को तंदुरुस्त होना सिखाते हैं घर के खाने से, और न्यूट्रिशन की नॉलेज देते हैं ताकि उनकी बॉडी में वो सारी चीज़ें पड़ी हों जो बीमारी से या कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर उनको बीमार ना कर सके। अगर आप ये नॉलेज लेना चाहते हैं आप कोच बन सकते हैं। अगर आप कोच बनना चाहते हैं आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। और हम चाहते हैं ये वीडियो लोगों तक पहुँचे ताकि उनकी कन्फ्यूजन दूर हो, इंटरमीडिएट का क्या मतलब है, फास्टिंग का क्या मतलब है, स्टार्वेशन का क्या मतलब है और कैसे करनी चाहिए। तो प्लीज़ यहाँ आपका काम शुरू होता है, फॉरवर्ड कर दीजिए वीडियो और लोगों की हेल्प कर दीजिए।
एंड अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल. बाय.